माता रानी के दरबार से आप लोगों ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं। जगह जगह से लोग जो है अपने वेतन में से पैसा दे रहे हैं और पूरे देश के जो लोग हैं वो अपना मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग मैं सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते। भाई आपकी कुर्सी 6 महीने पहले तो छीनी है, वो जो है सब्र रखो, धैर्य रखो। और जो जिन लोगों को लोगों ने सत्ता सौंपी है उन्हें काम करने दो। और जहाँ तक आप कहते हैं कि 300 करोड़ रुपए की बात आप कर रहे हैं, जो पहली किश्त जो 180 या 88 करोड़ रुपए की जो किश्त है वो हमारी नॉर्मल पैसा है, हमारा प्रदेश का, वो हमें मिलना था। इन्होंने दिसंबर की किस्त एडवांस जरूर करके जो है अगस्त में दी है। और थर्ड जो जोड़ रहे हैं वो पैसा जो है हमारा पिछले साल का रुका हुआ पैसा है, वो पैसा रिलीज हुआ है। कितना तो हमारा पैसा है, टोटल जो है जो 190 करोड़, 315 करोड़ रिलीज करना था उसमें से भी जो है 125 करोड़ रुपया रख लिया गया है और 190 करोड़ रुपया जो जारी हुआ है। तो जो हिमाचल का पैसा है उसको हिमाचल में देने को मदद तो नहीं है। मदद तो आप आकार देखें कितना है। और PMGSY की सड़कें ये मदद मानते हैं? ये सड़कें जो है हमारी रूटीन सड़कें हैं, इस पे ये सड़कें हमें मिलनी थी। इसको कहीं भी दिखाने की कोशिश करके आप किसी को बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर सकते। और आपदा है, आपदा में हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना हमें राजनीति की ज़रूरत है। और जो डबल इंजन वाले थे उनको जो है दिल्ली में जाके सही स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। लिप सिंपथी से कुछ नहीं होगा, सिर्फ जवान हलाने से कुछ नहीं होगा। मदद प्रदेश की रिक्वायर्ड है, प्रदेश की मदद होनी चाहिए। और ये हिमाचल प्रदेश की जनता नोटिस कर रही है, सारी जनता ने देखा है कि क्या हो रहा है। और इस समय तो हम माता रानी के दरबार में हैं, हम तो माता रानी से ये कहेंगे कि प्रदेश ने बहुत संकट झेल लिया, प्रदेश बहुत संकट में है और आप अपना आशीर्वाद दें और इस संकट से हमें मुक्त करें।